सभी को नमस्कार। एक और धुआंधार वीडियो की शुरुआत करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर और इसका एनालिसिस किस तरह से करते हैं उसकी बात करेंगे इस वाले वीडियो में। बहुत सारे वीडियोस में पहले से ही डाल चुका हूँ, ये एक और वीडियो है जिससे पिछले साल भी क्वेश्चन आया था, इस बार फिर से क्वेश्चन आ सकता है। इसका मेन जो टॉपिक है टर्बिडिटी वगैरह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना बनती है। एक और बात जो वापस से मैं रिपीट करना चाह रहा हूँ, आज हमारा पहला टेस्ट हो चुका है। पहला टेस्ट किस तरह से लिया था उसकी बात के लिए, उसके अंदर क्या क्वेरीज रही थी। कई लोग जो है अभी भी डाउट में है कि टेस्ट दें नहीं दें। कई लोगों ने 20 रुपये दे करके पहला टेस्ट ज्वाइन भी किया था, उन लोगों के लिए भी क्या कैसा रहा वो भी कमेंट करके हमें बताएं कि किस तरह से उन्होंने टेस्ट दिया और उनको किस तरह का फील हुआ टेस्ट देने के बाद में। जिनकी तैयारी है मैं टेस्ट उनको ज्वाइन करने के लिए बोलूँगा कि जिनकी तैयारी ऑलरेडी है वो टेस्ट दें हमारे। उसके बाद में जिनकी तैयारी नहीं है वो 1 तारीख से वापस से हम लोग टेस्ट सीरीज़ माइनर टेस्ट सीरीज़ 2 स्टार्ट करेंगे, उसके अंदर आप ज्वाइन कर सकते हैं। 15 दिन का अभी भी आप 10 दिन का अभी भी आपके पास समय है, तो आप उसके अंदर आराम से तैयारी कर सकते हैं और वापस से वो टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। अभी वही लोग तैयारी करके दें जो कि पहले से ही प्रिपेयर हैं इस एग्ज़ाम के लिए और जिनके पास पहले से नोट्स वगैरह प्रेजेंट हैं और चाहते हैं कि भाई उनकी टेस्टिंग हो। अब जो कल का टेस्ट रहेगा उसके अंदर 2 टॉपिक आएंगे, वो क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा वो ये वाली वीडियो के अंदर बात ना करके मैं एक और वीडियो बना रहा हूँ, उसके अंदर हम लोग बात करेंगे कि टेस्ट से रिलेटेड जो क्वेरीज़ हैं, बहुत से लोगों को शक है कि ये टेस्ट सही हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं पता नहीं, पूछा भी जा रहा है आपस में कि क्या करें दें नहीं दें, तो वो सारे डाउट्स जो मैं अभी मैं क्लियर कर दूंगा आपको वीडियो बना करके। अभी ये वाले वीडियो की शुरुआत करते हैं हम लोग, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर एंड इट्स एनालिसिस। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षित सनाडे स्वागत कर रहा हूं आपका सॉल्यूशन एकेडमी पे। यहां देखिए हम लोग इस एक और फटाफट वीडियो में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। फटाफट वीडियो का मतलब मेरा ये है क्योंकि अब एग्ज़ाम में जेएसओ एग्ज़ाम में समय काफ़ी कम रह गया है, तो समय काफ़ी कम रहने की वजह से हम लोग लिख कर के मतलब पहले से लिखे हुए कोई पढ़ेंगे, लिख करके मैं नहीं पढ़ाने वाला हूँ क्योंकि उससे वीडियो बहुत लंबा हो जाता है और हम ये चाहते हैं कि एग्ज़ाम के समय भी हम इसका रिवीजन कर सकें, इसीलिए हम लोग इसका एक शॉर्ट वर्जन लेकर के चलते हैं ताकि लिखे हुए को पढ़ना हमारे लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। देखिए आज हम लोग टॉपिक लेने वाले हैं वाटर, वेस्ट वाटर और इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर के एनालिसिस का। ठीक है, इसके अंदर हम लोग फिजिकल, केमिकल और बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स या बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? वो कैरेक्टरिस्टिक्स जिसको कि बिना किसी सब्सटेंस के अंदर केमिकल फॉर्मूला को चेंज करे स्टडी किए जा सकते हैं, उनको हम लोग फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गए, है ना, स्टडी विदाउट चेंजिंग केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, ये हो गया फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोग पढ़ेंगे टर्बिडिटी, कलर, ऑर्डर, टेम्परेचर, कंडक्टिविटी एंड टेस्ट। ओके, इसमें से सबसे पहले बात करने वाले हम लोग टर्बिडिटी की। ये टर्बिडिटी क्या होती है? टर्बिडिटी क्या होती है, देखो जनरली जो पानी का कलर होता है, पानी का कलर होता है क्या, ट्रांसपेरेंट। अगर हम लोग उसके अंदर कुछ इंडिविजुअल पार्टिकल्स मिला दें जिनको हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते, तो धीरे 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 वो जो पानी है उसके अंदर से जो लाइट है वो पास होना बंद हो जाएगी और उसके अंदर एक क्लाउडीनेस या हेजीनेस आ जाती है। किन की वजह से? इंडिविजुअल पार्टिकल्स की वजह से, चाहे वो इनऑर्गेनिक हो, चाहे वो ऑर्गेनिक हो, चाहे वो लिविंग हो, चाहे वो नॉन लिविंग हो, उन पार्टिकल्स की वजह से। वो कैसे पार्टिकल्स होंगे? इनविजिबल पार्टिकल्स जिनको नेकेड आई से नहीं देखा जा सकता, उसकी वजह से इसके अंदर क्लाउडीनेस और हेजीनेस आ जाती है, उसी को हम लोग बोलते हैं टर्बिडिटी। टर्बिडिटी जनरली सिलिका के सेंस में यूज़ की जाती है, मतलब मिट्टी रेत मान सकते हैं इसको, ऐसा मानना जाता है कि जैसे पानी के अंदर कितनी मिट्टी है कितनी रेत है ऐसे मान सकते हैं। ठीक है, ये जो पार्टिकल्स हैं ये जनरली कोलोइडल पार्टिकल्स की तरह आप समझ सकते हैं, जो कोलोइडल पार्टिकल्स को हम लोग माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं ना, तो कोलोइडल पार्टिकल्स मान सकते हो आप इसको। इन कोलोइडल पार्टिकल्स के इनको
या किस तरह से इसकी टर्बिडिटी को नापा जा सकता है? तो हमारे पास में चार तरीके हैं टर्बिडिटी को नापने के। पहला तरीका है टर्बिडिटी रोड, दूसरा है बैलिस्ट टर्बिडिटी मीटर, तीसरा है जैक्सन टर्बिडिटी मीटर और चौथा है नेफेलोमीटर। ओके, इसमें से सबसे पहले बात करेंगे हम लोग टर्बिडिटी रोड की। टर्बिडिटी रोड कुछ इस तरह की दिखती है, ठीक है। इस रोड को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको ऊपर ही ऊपर दिखेगी आई पोजीशन। आई पोजीशन का क्या मतलब है कि आपको यहाँ से आँख को रख करके और देखना है। ओके, नीचे की तरफ आप देखोगे कि ग्रेजुएटेड एल्यूमिनियम रोड, यहाँ पे ये एल्यूमिनियम रोड लगी हुई है, इसके ऊपर की तरफ यहाँ पे मेजरमेंट्स लिखे हुए हैं, ठीक है। और नीचे की तरफ निकल रिंग है और यहाँ पे प्लेटिनम की निडल लगी हुई है। आपको क्या करना है, आपको ये फील्ड में काम में लिया जाएगा, ये सबसे फास्ट तरीका है टर्बिडिटी निकालने का। आपको क्या करना है, जो भी जिस भी जगह आप टर्बिडिटी देखने जाओगे उस जगह पानी का सैंपल लिया, पानी का सैंपल लेकर के ये टर्बिडिटी रोड उसके अंदर डुबो देनी है। डुबो देने के बाद में आपको अपनी आँखों से ऊपर से देखना है। आँख यहाँ रहनी चाहिए, मैं पहले ही बता रहा हूँ, ये आँख यहाँ रहनी चाहिए। यहाँ से देखना है कि ये जो निडल है वो कितनी गहराई में जाने पर इनविजिबल हो जाती है। जहाँ पे जाने पर ये इनविजिबल हो जाएगी वहीं पे आपको ये मेजरमेंट नोट कर लेना है कि पानी के सरफेस पे या इतने अंदर जाने पर ये इनविजिबल हो गई, वही पॉइंट आपको क्या बताएगा, इसकी इसकी टर्बिडिटी बताएगा, ठीक है। टर्बिडिटी को जनरली मिलीग्राम पर लीटर या पीपीएम में नापा जाता है, समझ में आ गया होगा। ये बात करी हम लोगों ने टर्बिडिटी रोड की। अब दूसरा है बैलिस्ट टर्बिडिटी मीटर। बैलिस्ट टर्बिडिटी मीटर और ये टर्बिडिटी रोड आजकल यूज़ नहीं करते हैं, ये तो भी अपने को पढ़ना ज़रूरी है इसीलिए हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। बैलिस्ट टर्बिडिटी मीटर में क्या होता है, कुछ नहीं है, इसके अंदर मतलब आपका जो वाटर सैंपल है उस वाटर सैंपल को दूसरे पहले से ही प्रेजेंट वाटर सैंपल्स के साथ में जिनकी नॉन टर्बिडिटी रहती है, जिनकी टर्बिडिटी पहले से पता की जा चुकी है, उनके साथ में कलर मैच करके देखना है। कलर मैच करके और उसके अंदर पता पड़ जाएगा कि भाई इसके अंदर कितनी टर्बिडिटी है। इसमें जो हम लोग यूज़ करते हैं यूनिट वो है BTU, बैलिस्ट टर्बिडिटी यूनिट, ठीक है। यहाँ पे टर्बिडिटी जो है वो 2 PPM तक की नापी जा सकती है। तो ये कलर मैचिंग टेक्निक है जिसमें 2 PPM तक की टर्बिडिटी नापी जा सकती है। ओके, ये समझ में आ गया होगा आपके, ओके ना। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग जैक्सन्स टर्बिडिटी मीटर की। जैक्सन्स टर्बिडिटी मीटर जो है उसके अंदर क्या देखने को मिलेगा आपको, उसके अंदर ये देखिए मैंने डायग्राम बना रखा, इस तरह का ये मीटर दिखता है। इसके अंदर नीचे की तरफ क्या लगी हुई है, एक कैंडल लगी हुई है। आपको क्या करना है, ये ऊपर की तरफ आपको यहाँ पे एक सैंपल के कलेक्टर दे रखा है, इसके अंदर आपको सैंपल डालना है। आप धीरे धीरे सैंपल डालोगे, ऊपर आपकी आँख जो है वो इस फ्लेम को देखेगी, ये फ्लेम आपकी आँख को विजिबल होगी। जैसे जैसे आप सैंपल डालते जाओगे इस फ्लेम का दिखना कम होता जाएगा, वो पॉइंट जहाँ पे ये फ्लेम दिखना बिल्कुल बंद हो जाएगी उसी को हम लोग बोलेंगे JTU पॉइंट, एंड पॉइंट, मतलब जैक्सन स्टेबिलिटी यूनिट पॉइंट हो गया वो। तो उस पॉइंट का पैरामीटर लिखा होगा, उसको आप देख लीजिए, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग 25 PPM तक का है ना, 25 PPM तक का इसके अंदर आप पता कर सकते हैं, टर्बिडिटी पता कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं नेफेलोमीटर की। ये नेफेलोमीटर आजकल यूज़ होते हैं, नेफेलोमीटर मैंने भी यूज़ कर रखा है। इसके अंदर सिंपल कुछ नहीं, इसमें डायरेक्ट सैंपल ही पुट करना होता है और बटन दबाते ही काम हो जाता है। बहुत आसान टेक्निक है, मतलब काम आसान कर दिया है इसने, इतना देखा देखी नहीं करना पड़ता, वो सब मशीन ही देख लेती है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट पर बेस्ड है ये, इसके अंदर कितनी कम 0 से लेके 1 PPM तक की भी है ना टर्बिडिटी का हम पता कर सकते हैं। इसके अंदर फोटोमीटर लगा होता है जो 90 डिग्री पर स्कैटरिंग ऑफ लाइट पर बेस्ड होता है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट और ये क्या है, तो अगर तुमने MSc कर रखी तो इस चीज़ को भी समझाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए मुझे। उसके बाद में इसकी जो यूनिट है वो NTU है, ये पूछा जाता है आजकल, NTU ही पूछते हैं मेनली, ठीक है। NTU क्या है, नेफेलो टर्बिडिटी यूनिट, ठीक है ना। इसके अंदर हम लोग क्या बात करते हैं, इसमें जो, इसमें मैंने पहले भी बोला था कि जो टर्बिडिटी है वो सिलिका के रेस्पेक्ट में बात की जाती है।
अगर सिलिका की जगह पर हम लोग फॉर्माजिन ले लें, तो फॉर्माजिन लेने पर जो NTU है वो ही FTU कहलाएगी, ठीक है। NTU की जगह क्या बोला जाएगा, FTU, वही हो गया 1 NTU इज इक्वल्स टू 1 FTU, ठीक है। जो टर्बिडिटी है इसकी परमिसिबल लिमिट आपको याद रखनी है 5 से लेकर के 10, 5 से लेकर के 10 PPM तक इसकी है ना परमिसिबल लिमिट है। पर जो पीने के पानी की है वो तो आपको याद रखनी है 2.5 से कम, 2.5 से कम है ना। बाकी जो दूसरे पानी है उसकी 5 से लेकर के 10 PPM तक की लिमिट है, पीने के पानी की 2.5 से कम है। ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कलर की। कलर को देखने के लिए आपके पास में दो चीज़ें हैं, एक तो है टिंटोमीटर, टिंटोमीटर और एक है नेस्लर्स ट्यूब, नेस्लर्स टेबल। नेस्लर्स टेबल में क्या, वही नेस्लर रिएजेंट डाला जाता है और उसके बाद में उसका कलर मैच कर लिया जाता है टेबल से। इस तरह से टिंटोमीटर में तो डायरेक्ट वो ऑब्जर्वेशन के लिए देखा जाता है, उसमें ऐसे स्कोप लगा हुआ होता है, उससे आप उसका कलर देख लो और उसके अंदर वो इसी तरह से चार्ट बना होता है अलग अलग कलर्स का, उसके अंदर से मैच कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे 2 से लेके 20 मिलीग्राम पर लीटर या PPM तक की परमिसिबिलिटी है पानी की। वैसे जनरली यूँ बोले तो कलर जो है वो पानी के अंदर होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि कलर नहीं होगा तभी उसको प्योर वाटर कहा जाएगा, है ना, ये बात याद रखना। तो जो इसकी स्टैंडर्ड यूनिट है कलर की वो क्या है, वो 1 मिलीग्राम ऑफ प्लेटिनम कोबाल्ट है ना, प्लेटिनम कोबाल्ट इन द फॉर्म ऑफ क्लोरो प्लेटिनेट आयन, उसके अकॉर्डिंग कलर की यूनिट बनाई जाती है, स्टैंडर्ड यूनिट कलर की। तो इससे कोई इतना नहीं इम्पोर्टेंट नहीं है ये। नेक्स्ट देखिए ऑर्डर, ऑर्डर यानी आगे स्मेल। तो पानी के अंदर अगर किसी भी तरह की गैस होगी ना तो उसकी वजह से स्मेल आती है भैया, तो स्मेल वाला पानी तो कोई पी नहीं सकता। तो इसीलिए हम यू बोल सकते हैं कि ये अनऑब्जेक्टेबल होना चाहिए, कि स्मेल इतनी हो कि उसके लिए कोई ऑब्जेक्शन ना करे तो ही उस पानी को पिया जा सकता है। बाकी अगर स्मेल आएगी तो स्मेल वाला पानी कौन पी सकता है। इसकी लिमिट 1 से 3 इसकी लिमिट है, ठीक है। इसकी जो 1 से 3 लिमिट है ये कैसे आई, तो ये आता है थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर से निकाला जाता है, TON थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर से निकलती है। इसके लिए एक स्कोप काम में लिया जाता है, ऑस्मोस्कोप करके बोलते हैं इसको। ये जो ऑस्मोस्कोप इसका इंस्ट्रूमेंट है, इसके अंदर TON नंबर किस तरह से निकाला जाता है, तो TON नंबर कैसे निकालते हैं, सिंपल है। देखो रॉ वाटर ले लो, कोई भी आपका जो पानी है, जो पानी जिसको आप ट्रीट कर रहे हो, जिसके लिए आप कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे हो, उस पानी को ले लो, उस पानी का सैंपल लेकर के उसका वजन कर लो। वजन करने के बाद में, वजन मतलब ML में निकलता है वैसे पानी का, ML में देख लो भी इतना पानी है। उसके बाद में क्या करो, उसके अंदर आप जो प्योर वाटर है वो डालो, वो तब तक डालो जब तक कि उसके अंदर से स्मेल डिसअपियर हो जाए, तो आपके पास में B आ जाएगा ML। उसके बाद में नीचे की तरफ, अब ML में भी होता है लीटर में, सारी लीटर में हो तो लीटर में निकाल लो, ठीक है, और नहीं हो तो उस हिसाब से ML में, तो ML में देख लो वैसे है ये। और लास्ट में जो A है उसी का वापस डिवाइड करोगे तो आपको यहाँ से TON नंबर आ जाएगा। TON नंबर की लिमिट 1 से 3 है, अगर 1 से 3 के बीच का पानी है तो वो पानी मतलब यूज़ लिया जा सकता है, साफ पानी की कैटेगरी के आसपास है। बाकी अगर इससे, वैसे तो मैंने बता ही दिया पीने के पानी में तो ऑर्डर आनी नहीं चाहिए, ठीक है, और बाकी पानी में 1 से 3 की लिमिट है, ओके। तो ये आ गई बात हमारी ऑर्डर की। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम लोग टेम्परेचर की। टेम्परेचर की जो एक्सेप्टेबल लिमिट है वो नॉर्मल मैंने बताया, जो ट्रीटेड वाटर है जो साफ पानी है उसकी 10 से लेकर के 20 डिग्री सेंटीग्रेड इसकी हमारे पास में लिमिट आ रही है, ठीक है। तो इसके अलावा एक और बात याद रखें, देखो कि जो पीने का पानी है उसकी लिमिट है हमारे पास में, उसकी लिमिट है हमारे पास में 10 डिग्री से लेकर के 15.6 डिग्री सेंटीग्रेड तक की, ये वाटर ड्रिंकेबल वाटर की है, ठीक है। और जो नॉर्मल जो बाकी पानी है उनकी हम लिमिट बता रहे हैं 10 डिग्री से लेकर 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक एक्सेप्टेबल लिमिट है। अब यहाँ पे नॉर्मली इनके लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट लिया जाता है, तो नॉर्मल पानी के लिए तो थर्मामीटर यूज़ किया जाता है, पर जब बहुत बड़ी कोई जगह हो जहाँ पे लाइक बर्फ जमी हुई हो या बहुत बड़ी सरफेस हो, जैसे कोई डैम हो या रिजर्वायर हो, बहुत बड़ी जगह हो, तो वहाँ पे हम लोग ब्रोकन कैपिलरी थर्मामीटर का यूज़ करते हैं। नाम याद रखना है, बाकी ऐसे कोई BCT का यूज़ करते हैं, नाम याद रखना है बस, ओके। इसके अंदर एक बात और याद रखनी है कि जो टेम्परेचर है उसका बहुत इफेक्ट पड़ता है, टेम्परेचर का इफेक्ट जो हमारे पानी की बायोलॉजिकल एक्टिविटी पे पड़ता है।
तो बात याद रखनी कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, उसकी वजह से बायोलॉजिकल एक्टिविटी डबल हो जाती है। बायोलॉजिकल एक्टिविटी डबल होने की वजह से डिजोल्व ऑक्सीजन डिमांड भी बढ़ जाती है, और डिजोल्व ऑक्सीजन डिमांड बढ़ने के साथ साथ ही उसके अंदर BOD COD वगैरह भी बढ़ जाती है। तो इसीलिए ये टेम्परेचर एक इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कंडक्टिविटी की। कंडक्टिविटी किस वजह से होती है? कंडक्टिविटी होती है पानी के अंदर डिजोल्व सॉल्ट्स की वजह से। तो डिजोल्व सॉल्ट जो है वो जितने ज़्यादा होंगे उतनी कंडक्टिविटी बढ़ेगी। सॉल्ट सारे के सारे वही कैल्शियम मैग्नीशियम के सॉल्ट, सोडियम के सॉल्ट वगैरह जितने भी सॉल्ट उसके अंदर होते हैं सबकी वजह से कंडक्टिविटी बढ़ती है। तो कंडक्टिविटी पानी के अंदर सॉल्ट होने ही नहीं चाहिए पानी के अंदर, इसी वजह से हम लोग इसको बोलेंगे कि कंडक्टिविटी क्या रहनी चाहिए, निल रहनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में और बात करें हम लोग कि भाई कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होती है, तो माइक्रो सीमेंस पर सेंटीमीटर ये इसकी यूनिट होती है। माइक्रो सीमेंस, सीमेंस समझते हैं ये महो है ना, ओम का उल्टा। तो यहाँ पे 25 डिग्री सेंटीग्रेड इसका पर इसको नापा जाता है। कंडक्टिविटी मतलब रूम टेम्परेचर पे नापा जाता है। इसमें बात याद रखना कि ये जो मेज़र करते हैं हम लोग पोर्टेबल डाई आयोनिक वाटर टेस्ट से इसको मेज़र करते हैं। कंडक्टिविटी के लिए इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं उसमें भी यही सेम तरीका यूज़ लिया जाता है, पोर्टेबल डायोनिक वाटर टेस्ट ही यूज़ लिया जाता है। ठीक है, इसमें कंडक्टिविटी जो है अगर आप उसको 0.65 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास में टोटल डिजोल्व सॉलिड आ जाएगा, किसी भी पानी के अंदर प्रेजेंट टोटल डिजोल्व सॉलिड आ जाएगा। और टोटल डिजोल्व सॉलिड्स को 0.65 से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास में कंडक्टिविटी आ जाएगी। तो ये रिलेशन आपको याद रखना है। एक बात और याद रखना है कि पानी के अंदर जितना ज़्यादा सॉल्ट प्रेजेंट होगा उतनी ज़्यादा कंडक्टिविटी होगी, तो मोर द सैलिनिटी मोर द कंडक्टिविटी और वाइस वर्सा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अब ये जितना भी पढ़ा है हम लोगों ने उस सबको समराइज कर लिया हम लोगों ने, यहाँ पे एक बार रिवीजन कर रहे हैं इसका कि टर्बिडिटी की लिमिट क्या है, कलर की लिमिट क्या है, ऑर्डर की लिमिट क्या है, टेम्परेचर की और कंडक्टिविटी की लिमिट क्या है। तो सबसे पहले तो एक्सेप्टेबल लिमिट की बात करेंगे। जो टर्बिडिटी है उसकी एक्सेप्टेबल लिमिट है 5 से लेके 10 PPM, और NTU या मैंने पीने के पानी की बताई थी लेस देन 2.5 होनी चाहिए। ठीक है, लेस देन 2.5 ये पीने के पानी की टर्बिडिटी है। यहाँ पे आपको याद रखना है कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट, नेफेलोमीटर, टर्बिडिटी रोड, जैक्सन्स मीटर और बाइलिस मीटर यूज़ में लिया जाता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कलर की। कलर की होनी चाहिए 2 से लेके 20 PPM तक का। इसमें टेंटोमीटर यूज़ लिया जाता है और नेस्लर स्टेबल यूज़ ली जाती है। फिर ऑर्डर की बात करते हैं। ऑर्डर की बात करें तो 1.3 है ना, या मैंने बताया अनऑब्जेक्टेबल होना चाहिए। इसमें हम लोग क्या यूज़ में लेते हैं, इसमें ऑस्मोस्कोप यूज़ में लिया जाता है। ऑर्डर के लिए ऑस्मोस्कोप, कलर के लिए टिंटोमीटर, ठीक है, और टेबिलिटी के लिए नेफेलोमीटर। ठीक है, याद रखना। फिर आ गया टेम्परेचर की बात करते हैं। टेम्परेचर की बात करेंगे तो 10 से लेकर 20 डिग्री सेंटीग्रेड पीने के पानी की मैंने बताया 10 डिग्री से लेकर के 15.6 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब। इसके लिए क्या लेते हैं हम लोग, ब्रोकन कैपिलरी थर्मामीटर का हम लेते हैं। कंडक्टिविटी किसकी कौन से टेस्ट में लेते हैं, पोर्टेबल डाई आयोनिक वाटर टेस्ट के लिए। ठीक है, इसमें क्या होनी चाहिए, निल लिमिट होनी चाहिए। यहाँ तक रखेंगे, आगे अभी शाम को मैं और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स डालूंगा, तो कंटिन्यू बने रहिए। आप भी अगर ये वीडियोस देखते हैं कंटिन्यू तो आप देखते रहिए, और 2 दिन के अंदर आज और कल में हमें ये पूरा टॉपिक कंप्लीट करना है ताकि हमारा अच्छे से तैयारी हो जाए। और दोस्तों पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगर लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, क्योंकि मैं बहुत काम का आदमी हूँ।